मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में ODOP योजना के तहत उद्यमियों तथा उद्योग विभाग लीड बैंक मैनेजर CEO गीडा के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आ रही अड़चनों को दूर करते हुए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, जिससे गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट में एक हब के रूप में विकसित हो सके और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिले। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनी के लिए मुख्य विकास अधिकारी तथा CEO गीडा गारमेंट उद्योग के लिए स्थान चिन्हित करते हुए 7 दिनों में अपनी कार्य योजना दे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के साथ नियमित संवाद करते हुए रेडीमेड उद्योग में लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें सहायता दिलाते हुए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि उद्योग विभाग डिमांड व सर्वे कर 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे तथा गीडा रेडीमेड उद्योग के लिए लैंड बैंक भी तैयार करे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संबंधित अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे। दिखाई पड़ने लगेगी। इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी का होगा। भाई आप 500 मीटर के प्लॉट बनाएंगे, वो एक ड्राइंग बनाएंगे, आप दे दीजिए कि साहब ये है हमारा और ये हमें लॉट करने के लिए रेडी है, आप जल्दी से जल्दी इसको इन्वाइट कीजिए लोगों को और लॉट कीजिए, इसमें आप शुरू कर सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था जो है सबसे जरूरी। तीसरी चीज़ क्या है, बैंक की जो बात आई है, देखिए बैंक वालों से हम लोगों ने भी बात किया है। बैंकों का कहना है क्या है कि अभी जितने लोगों ने लगाया है, कोई भी आदमी इंडस्ट्री के हिसाब से उसने एक होम इंडस्ट्री के तरीके से लगाया, वो मशीन ला करके अपने घर में लगा लिया और वो चला रहा। आज हम बैंक किस बेसिस पर उसको मैंने अगर लोन दे तो बैंक की भी एक लिमिटेशन होती है कि साहब बिना उनका रजिस्ट्रेशन नहीं, तो बैंक को भी ये कठिनाई होती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को लैंड प्रोवाइड कराएं और वहाँ फैक्ट्री, लैंड की डिमांड आ रही है। बात अलग है, अभी हमारा बेटी रावत के पास में जो लैंड है आपके पास में, उसी में से डिमार्केट करके बातचीत जैसी हुई थी पिछले 3 साल से, तो उन्होंने कहा था कि 50 एकड़ लैंड जो है बड़े आराम से उसमें से हम दे सकते हैं, बल्कि हम 10-20-25 एकड़ का प्रोविजन रखेंगे कि अगर मान लीजिए ये पूरा हो जाता तो उसको मैं एक्सपेंड भी कर सकें। प्लांट इस तरह से शुरू करना चाह रहे हैं, हम ये समझते हैं कि अगर जब भी एडवर्टाइज होगा तो 3-4 times जो है उसमें एप्लीकेशन आए। 10 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन लैंड उतनी तो कभी भी अवेलेबल नहीं होगी जितनी डिमांड है, तो हमें उन लोगों को चयनित करना पड़ेगा कि जो लोग टेक्निकली साउंड हो और जिनका हमें लगे कि हाँ यहाँ पोटेंशियल है, कि इनको यदि हमने जमीन दी तो ये वाकई में कुछ करेंगे और गोरखपुर के 10 लोगों का खुला भी करेंगे और यहाँ पर उसको हब बनाने में मदद करेंगे। ऐसे लोगों की CEO साहब के साथ आप लोगों की उपस्थिति में एक मीटिंग हो जाए, जूम से करवा दीजिए, उनको आने की आवश्यकता नहीं। और मैं हाल ही में यहाँ डेनियम की फैक्ट्री लगाया हूँ, तो एक गारमेंट पार्क में आ जाएंगे और जैसे गारमेंट पार्क हो जाएगा वो सर, तो लोग बाहर के या यहाँ के सारे लोग उस पार्क के नाम से जानेंगे और गारमेंट पार्क के नाम से जब जानना चालू हो जाएगा तो वहाँ गारमेंट वालों का मनोबल बढ़ता रहेगा क्योंकि कस्टमर आएंगे सर। ऐसे क्या हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में खुद जाते हैं बेचने जिसकी वैल्यू नहीं, तो पहली बार तो हमको एक ऐसा जमीन चाहिए जहाँ वैल्यू है, वो चल के आएंगे तो 9-10 का हमारा 10.5 देंगे। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है सर कि आप 50 एकड़ की जमीन वहाँ प्रोवाइड करवाइए।